नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, इवनिंग में जो हमारी क्लास होती है वो राजस्थान जीके की होती है, जिसमें हम क्या है 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करते हैं, जिसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति एवं भाषाएं बोलियों से संबंधित होते हैं। तो कल मैंने आपका जो 20 नंबर का एक टेस्ट लिया था, अब क्या है आपकी क्लास 20 नंबर की कर दी गई है। पहले हमारी क्लास 30 नंबर की होती थी, अब इन 20 नंबर में से कल मैंने आपका जो हाल देखा कि कुछ एक स्टूडेंट के ही सही नंबर आए थे, बाकी के नंबर 16, 15, 14, कईयों के 10 भी आ रखे थे, ये नंबर आए थे आपके कल वाले टेस्ट में। अब आप देख लो कि आपका 20 नंबर का ये पोर्शन आएगा, अगर इसमें आपके नंबर कट रहे हैं, 18 से नीचे अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा लॉस मतलब अगर आपका एक नंबर कम होता है 18 से, तो आप ये समझो कि आप 18,000 बंदों से पीछे चले जाते हैं, यानी एक नंबर से अगर आपका सही होता है तो आप 18,000 बंदों से आगे निकल जाओगे। तो आपका लॉस है अब इस कदर हो रहा है कि आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है। 20 में से 20 लाने की पूरी कोशिश करें, जितना हो सके पढ़ो, थ्योरी रटो। इतना बड़ा तो आपका सिलेबस भी नहीं है, आपके पास टाइम बहुत अच्छा है। लगभग आपका मई जून में आपका क्या है एग्जाम होगा। अगर बात करें कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की अगर एग्जाम के बारे में बात करें, तो कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी तक किसी के बका में ना आए और अपनी तैयारी को क्या है अच्छे तरीके से करें, इसको अच्छे लेवल तक लेके जाएं। आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम कर लिया है और आज आप कितना पढ़ सकते हो, इस हिसाब से कि आपको पढ़ना है। आप एग्जाम डेट पर क्या है आश्रित मत रहना कि एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। आपका एग्जाम अगर मई जून में है, तो अब आप ऐसे मत सोचना कि अभी हमारे पास टाइम है, नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो तैयारी है बहुत जोरों शोरों से चल रही है, कौन सी भी जगह जाकर देख लेना, कौन सी भी कोचिंग में घुस जाना, आपको इतने बंदे मिलेंगे तैयारी करने वाले, किताबों पर मुद्दे रहते हैं सारे दिन, और आप क्या है चकरा जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो आपको क्या है सारी चीज़ें अपने घर बैठे आपको प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो, क्योंकि आपके प्रश्नों का लेवल है वो भी अच्छा है और जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे ही करवाए जा रहे हैं। अगर आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तैयारी करते हो, जितनी मैं डायरेक्शन देता हूं उनको ध्यान से सुनते हो, फिर उस पर क्या है आप काम करते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभी से क्या है रोजाना आधा चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। मैं एक पूरा चैप्टर नहीं कहूँगा, अगर एक चैप्टर में 10 पेज है तो 5 पेज आप स्टार्ट कर दो आज से पढ़ने, 2 पेज कर दो, 1 पेज कर दो, ताकि आपका जब भी एग्जाम हो आपकी तैयारी वो एक अच्छे लेवल तक हो जाए और आप क्या है अपनी ये जॉब है वो पास करें। तो इससे पहले अगर बात करें हमारी क्लास की, तो इससे पहले हमारी 34 क्लासें हो चुकी है, आज ये हमारी 35वीं क्लास है। यानी अगर आपने वो 34 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देखो उसको जाके, जल्दी आपकी क्या प्ले लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कुछ टेक्निकल कारण के कारण क्या है आपकी प्ले लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, हो सकता है एक दो दिन में आपको क्या प्रोवाइड करवा दी जाए। तो आप क्या है लगभग मोस्टली आपको ये वीडियो यानी मैं एक महीने की जो एक मैंने काम किया है तो इसी वीडियो पे काम किया है, यानी ये क्लासें आपकी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की आपको प्रोवाइड करवाई गई है। स्टार्टिंग के 10 चैप्टर आपके वो मैंने क्या आपके चैप्टर वाइज करवाए हैं, वो वीडियो अगर आप देखो तो चैप्टर वाइज मिलेंगे, उसके बाद मिक्सर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आप क्या है स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ अगर आप नए हो चैनल पे, और फिर क्या आपकी तैयारी देखना, जब आप 15 से 16 क्लास कर लोगे आपका लेवल देखना तैयारी का किस स्टैंडर्ड का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, जितना उसके ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इसमें भी क्या है आज आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमारी 34वीं क्लास है, इस सॉरी 35वीं क्लास है, इससे पहले हमारी 34 क्लासें हो चुकी है। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है आपको बताना है कि जमटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसे दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है, कौन करता है ये बताना है, यानी किस नृत्य में ये काम किया जाता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, जमटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत डीपली है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। जमटिया एक पात्र होता है, इसमें एक नृत्य है, इसमें एक पात्र होता है जमटिया, वो क्या करता है लोक भाषा में कविता बोलता है, और एक एक होता है खटखड़िया, ये आपको ध्यान रखना है इन दो चीज़ों को, जामटिया कहाँ क्या करता है और खटखड़िया क्या काम करता है। खटखड़िया जो उसे क्या है दोहराता है, यानी जो लोक भाषा में कविता बोलता है उसको क्या दोहराता है,
और बीच बीच में क्या जोकर का काम भी करता है। कौन से नृत्य में किया जाता है ऐसा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए गौरी नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी हेला ख्याल से, ऑप्शन नंबर सी कुचामणि ख्याल से, ऑप्शन नंबर डी गैर नृत्य से। तो बताएं कौन सा होगा सही। चार ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं और बताएं कि कौन से नृत्य से संबंधित होगा ये। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गौरी नृत्य में है। किस नृत्य से है? गौरी नृत्य में पात्र होते हैं झपट्टिया और खटकड़िया। ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में आज ही बैठा लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भवाई, ऑप्शन नंबर बी बंजारा, ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी गरासिया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही है। वालर नृत्य के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सी जनजाति द्वारा ये किया जाता है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें कालबेलिया, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें ग्रासिया। क्या आएगा? ग्रासिया आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें, ऑप्शन नंबर सी जिसने किया है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है। ग्रासिया जनजाति में क्या है? वाला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान का बैरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, कौन थे आपको बताना है। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जानकी लाल, ऑप्शन नंबर बी देवीलाल सामर, ऑप्शन नंबर सी उदय शंकर, ऑप्शन नंबर डी पुरुषोत्तम। तो बताएं इन चारों में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आपका जो सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें जानकी लाल, ऑप्शन नंबर ए जानकी लाल आएगा इसमें कि जो जानकी लाल थे उन्होंने क्या राजस्थान की जो बैरूपिया कला उसको क्या विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कुजले स्वरूप ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, कुजले स्वरूप ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए सिख संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी पाइनाई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी अलखिया संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी राजा राय संप्रदाय। तो चार ऑप्शन में से जो सही है वो आपको बताना है कि कुजले स्वरूप ग्रंथ वो किस संप्रदाय से संबंधित है। चार ऑप्शन में से आपका जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है, पाइनाई संप्रदाय से क्या ये संबंधित है, जो क्या है कुजले स्वरूप है ये पाइनाई संप्रदाय से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पन्ना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। तो इन चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसमें। तो सही जवाब क्या होगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है पन्ना, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें पन्ना मध्य प्रदेश में क्या है कि परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये आपको ध्यान रखना है, परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चूरू में, ऑप्शन नंबर बी गंगानगर में, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। तो बताएं अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से कौन सा सही है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है, अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है कहाँ पे है, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल सही जवाब है, अपना एक नंबर जोड़े और आगे बढ़े। कल वाले में एक क्वेश्चन गलत था आपका कि विजय कुछ था उसमें किसने की थी एक रचना थी उसकी आपसे राइटर पूछा गया था शायद, तो उसमें मैंने गलती से क्या अलग कर दिया था, तो उसमें क्या आपको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ एक मिल जाएगा तो उसे आप देख लेना, वो एक क्वेश्चन आपका गलत था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है कि जय सिंह सूरी लेखक थे, जय सिंह सूरी लेखक थे किसके लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए हमीर मद मर्दन के, ऑप्शन नंबर बी हमीर महाकाव्य के, ऑप्शन नंबर सी हमीर हट के, ऑप्शन नंबर डी हमीर रासों के। जयसूरी किसके लेखक थे आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दें और बताएं कौन सा सही जवाब होगा इसमें, क्या आएगा इसमें।
ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया बिल्कुल सही जवाब है, हमीर मद मर्दन के। जय सिंह सूरी है वो किसके लेखक थे? हमीर मद मर्दन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक थे, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दयालदास, ऑप्शन नंबर बी श्यामल दास, ऑप्शन नंबर सी बांकी दास, ऑप्शन नंबर डी नैन सिंह। तो बताएं कौन सा सही जवाब होगा इसमें, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है चारों में से। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, दयालदास। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक वो दयालदास है। जिसने भी ऑप्शन नंबर एक किया है अपना एक नंबर जोड़े और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रवंशी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी यदुवंशी, ऑप्शन नंबर डी सूर्यवंशी। बताएं कौन सा इसमें सही जवाब होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है, सूर्यवंशी बताया गया है हमीर महाकाव्य में चौहानों को, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन नंबर ए महाराजा जवाहर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी महाराजा बदन सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी महाराजा सूरजमल ने, ऑप्शन नंबर डी महाराजा मान सिंह ने। तो इन चारों में से आपको बताना है कि डिग के महलों का निर्माण हो किसने करवाया था। सही जवाब क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, महाराजा सूरजमल ने क्या है डिग के महलों का निर्माण करवाया था। डिग के महलों का निर्माण है वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। आपको बताना है हवा महल किसने बनवाया, हवा महल किसने बनवाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजा मानसिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा राजा जयसिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है सवाई जयसिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है सवाई प्रताप सिंह ने। तो बताएं कि हवा महल किसने बनवाया है, चार ऑप्शन में से जो भी सही आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए ऐड किए गए हैं और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब है, सवाई प्रताप सिंह ने क्या है हवा महल का निर्माण करवाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए करण सिंह, ऑप्शन नंबर बी जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी अनूप सिंह। तो चारों में से बताएं जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया बिल्कुल सही जवाब है, जय सिंह द्वितीय ने क्या है जयपुर का निर्माण करवाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है कि मचकुंड तीर्थ किस जिले में स्थित है, मचकुंड तीर्थ है वो किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी धौलपुर में, ऑप्शन नंबर सी करौली में, ऑप्शन नंबर डी बूंदी में। तो बताएं मचकुंड तीर्थ है वो किस जिले में स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं सही जवाब क्या होगा, नोट डाउन किया जल्दी जल्दी क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया बिल्कुल सही जवाब है, धौलपुर में है, क्या है मचकुंड तीर्थ है वो धौलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है अपना एक नंबर जोड़े और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाने वाला लोक तीर्थ है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाने वाला लोक तीर्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मातृकुंडिया, ऑप्शन नंबर बी डिग्गी कल्याण जी, ऑप्शन नंबर सी सीता माता, ऑप्शन नंबर डी बणेश्वर। तो बताएं राजस्थान का हरिद्वार के कौन से लोक तीर्थ को कहा जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने है, जो सही है उसको नोट डाउन करें। क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है मातृकुंडिया बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, रावण हत्या क्या है, रावण हत्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी एक पुस्तक का शीर्षक है, ऑप्शन नंबर डी स्थान का नाम है। तो बताएं रावण हत्या क्या है, क्या होगा इसमें, सही जवाब होगा एक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही जवाब है एक वाद्य यंत्र रावण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है कि दशहरे पर राजस्थान में किस वृक्ष की पूजा की जाती है, दशहरे पर राजस्थान में किस वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए नीम की, ऑप्शन नंबर बी बबुल की, ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी की, ऑप्शन नंबर डी किक्कर की। तो इन चारों में से बताइए कि राजस्थान जो एक राजस्थान में दशहरा बनाया जाता है उस पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें,
जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको बताना है असंगत युग्म को छांटना है, असंगत युग्म को छांटिए, क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए में क्या है, रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कजली थी जब वो भाद्रपद की यानी भादवे की कृष्णा तृतीया को मनाते हैं, गणेश चतुर्थी भादवे की चौथ को मनाते हैं, शुक्ल पक्ष की दशहरा वो आश्विन शुक्ल की आठम को बनाते हैं, तो बताइए कौन सा युग्म है वो असंगत है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है, डी आएगा इसमें, दशहरा वो दशमी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आठम आते ही आपको क्या है, एक छोटी ट्रिक थी, जैसे यहां पे आठम आई इसको आपको गलत कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है गणगौर में गौरी किसका प्रतीक है, गणगौर में गौरी किसका प्रतीक है बताएं। ऑप्शन नंबर ए दुर्गा माता का, ऑप्शन नंबर बी पार्वती का, ऑप्शन नंबर सी सीता का, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी का। तो बताएं कि गणगौर में गौरी किसका प्रतीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही जवाब है, पार्वती का प्रतीक है, गणगौर में गौरी है वो पार्वती का प्रतीक है। अब एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है दशहरा है वो कब मनाया जाता है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दशहरा है वो कब मनाया जाता है, दशहरे का त्यौहार आपको बताना है कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन आज जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है जंजीर पहनी जाती है, जंजीर कहां पहनी जाती है, ऑप्शन नंबर ए गले में, ऑप्शन नंबर बी हाथ में, ऑप्शन नंबर सी कमर में, ऑप्शन नंबर डी पैर में। तो बताएं जंजीर कहां पहनी जाती है, चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, कमर में पहनी जाती है, जंजीर है वो कहां पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है टीका पहना जाता है, टीका कहां पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए गले में, ऑप्शन नंबर बी हाथ में, ऑप्शन नंबर सी कमर में, ऑप्शन नंबर डी सर में। तो बताएं टीका कहां पहना जाता है, चार ऑप्शन में जो सही है वो आपको चूज करना है, जल्दी से नोट डाउन करो। और आज मैं आपको क्या क्वेश्चन भी देने वाला हूं होमवर्क के लिए, एक तो मैंने दे दिया कि दशहरा कब मनाया जाता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आज और दूंगा मैं आपको, वो भी आपको क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कमेंट की क्या होगा उसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा आपका सिर में, टीका वो सिर में पहना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तो थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। अब आपका काम आपको पता ही है कि अब आपको बताना है कि इन 20 नंबर में से आपके कितने सही हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। अगर आप साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो पूरी वीडियो देखो, पहले वाले भी, इससे पहले हमारी 34 क्लासें हो चुकी है और हिंदी की 26 क्लासें हो चुकी है। तो सभी इनके अलावा 3 मॉक टेस्ट भी हो चुके हैं मेरे फुल लेंथ, तो वो भी जरूर देखना एक बार अगर आप चैनल पे नए हो। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है ब्रिजेश क्या है, ब्रिजेश क्या है, ब्रिजेश क्या है, ये ब्रिजेश है ये क्या है आपको बताना है। ये आज आपका क्वेश्चन है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ में बताना है कि दशहरा कब मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। 2 प्रश्न मैंने आज आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी, जितना उसके अच्छा पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़िएगा ताकि आपको ये जॉब मिल जाए और आपका फ्यूचर अब ब्राइट हो जाए। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।